Hello my dear students, now welcome back once again online classes. This is Ekki Gupta, your English faculty, Arts School, Bansal. So my dear students, now we have studied and we have completed many things in this period or in this online classes. But today we are going to start a new thing, which is English grammar and use of A and N. So my dear students, it's a very simple thing to understand. When and how we will use, where and how we will use A. Here I have written something as a little bit of short definition. A is used before noun when noun's first letters sound will be Hindi consonant. K, kh, like gya. English consonant B, C, D, F, G, H, Z. It's mean, in simple language, if I would like to tell you, so we can understand one thing. Suppose I have written a sentence like, she has car. Okay, so car is a noun. Car is a noun. And according to, means we have studied when we will find English consonant C, so we will use here A. But my dear students, sometimes it should not happen. It not happens. Like it doesn't happen. Why? Because C, I have written here C. C A R car. Okay, so pronunciation is in Hindi ka. When we will find in Hindi consonant sound, so we will use here A. Got it? So firstly you can write this rule and you can understand. अब मैं आपको एक बार हिंदी में समझाता हूँ. कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी किसी वर्ड, कोई भी हमारे पास जो नाउन है, ठीक है, वो मोस्टली किसी भी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है. लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास बी सी डी एफ जी एच जो कंसोनेंट होते हैं, वोवेल में पता है ना कितने होते हैं, वोवेल हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू. दीज आर वोवेल, दीज आर वोवेल. और ये क्या है, कंसोनेंट. तो कंसोनेंट का हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ बी सी डी ऐसा कुछ मिल जाए, यानी कि नाउन का पहला अक्षर, तो हम ये लगा देते हैं. तो बेटा वो ऐसा नहीं होता है, उसके साउंड को पकड़ना होता है. हमने देखा कि भाई साउंड किससे मैच करोगे आप, आपको साउंड मैच करना है हिंदी के कंसोनेंट से. इंग्लिश के वर्ड का लेटर का हिंदी के कंसोनेंट से जब मैच करोगे, तो अगर क से ज्ञात हिंदी में आ रहा है जो कि बी से जेड के बीच में होते हैं, तो मैच करके देखेंगे. अगर क से ज्ञा के बीच में साउंड आ रहा है तो हम ए लिखेंगे. जैसे मैंने लिखा है कार, तो क से बन रहा है, मैंने कार लिख दिया. अगर ऐसे मैं बोलूं जैसे देयर इज अ लाइन, तो लाइन, लाइन क्या है, से नाम हो गया, तो ये भी एक नाउन हो गया, ठीक है. तो लाइन किसे पढ़ रहे हैं, ल, लाइन ल, हिंदी के साउंड से एल इसमें मिल जाएगा आपको इंग्लिश के अल्फाबेट कंसोनेंट में. लेकिन उसका जो प्रोनाउंस हिंदी में करेंगे तो क्या बनेगा, ल, लायन, ल. तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे, देयर इज अ लायन. गॉट इट, पसंद आ रही है. अब इसका अपोजिट देखते हैं. जैसे हम बात करते हैं आई हैव एप्पल, तो एप्पल में आपको सर ए आ रहा है, ए डबल पी एल ई, ठीक है. तो हम एप्पल में ए आ रहा है, इस वजह से एल लगाएंगे, नहीं बेटा. हम ए यू को जो मैच करते हैं ना, वो हिंदी की मात्राओं के साउंड से मैच करते हैं. जैसे अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अं अः, ये जो हिंदी की मात्रा होते हैं उनको इंग्लिश की मात्राओं से मैच करते हैं. फिर कोरिलेट करने के बाद ये देखते हैं, अगर हिंदी की मात्राओं का साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे, और अगर हिंदी की कंसोनेंट का साउंड आएगा तो ए लगाएंगे. खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसको समझते हैं. तो मेरी बात समझ में आ रही है. अब आप कहोगे नहीं सर अभी भी नहीं आई, तो हम एक सेंटेंस और लिख सकते हैं. अगर आप ये देखो कि माई माई अंकल इज एम ए, ठीक है. अब आप ये सोचोगे सर एम ए, तो एम ए यानी कि ये बी सी डी यानी कंसोनेंट इंग्लिश कंसोनेंट में मिल जाएगा. अकॉर्डिंग एम आप क्या करोगे, ए बढ़ के लगा दोगे, ये लगाओगे ना, क्योंकि भाई एम कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, नहीं. अब इसको पढ़ के देखो, एम एम क्या इस क से ज्ञा तक के साउंड में आ रहा है, एम
एम, यानी कि एम अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे एम, एम लिखेंगे हम एस। तो साउंड क्या हो गया, साउंड ए का आ रहा है यानी कि मात्राओं का आ रहा है, तो ए नहीं हम एन का यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन देयर साउंड, द फर्स्ट लेटर्स साउंड, नाउंस फर्स्ट लेटर्स साउंड, यानी कि नाउन के पहले अक्षर के साउंड पर डिपेंड करता है कि आपको ए लगाना है कि एन लगाना है। तो अभी अपने हमने समझा ए के बारे में, चलो इसको एक बार बिठा के हम एग्जांपल्स देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई हैव सम एग्जांपल फॉर यू। फर्स्ट, शी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये किससे शुरू हो रहा है, ब्यूटीफुल से। तो ब्यूटीफुल कैसे लिखोगे आप, ब साउंड किसका है, ब का, तो ब्यूटीफुल के हिसाब से ए यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं हु हैज अ ओके। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, व्हाट वी हैव रिटन, हु हैज मैंगो, मैंगो मींस एम, मैंगो म, हियर इज अ मैंगो, मैंगो वी कैन राइट हियर मैंगो, इट्स मीन द प्रोनंस इज एम म, सो वी कैन राइट हियर ए। आर यू गेटिंग मी? सो सिमिलरली आई I have pen. So pen, p. The sound is here p. So according to p, we will use here e. Okay. Next, look. He is a teacher. So teacher, t. The sound is t. So we will hear right here a. I think you are getting me. So everything is depend on the sound. The nouns, it is nouns first letter. First letters sound. Everything is depend nouns first letter sound. So firstly we will find here what is the first letter and what is the sound with the Hindi consonant, with the Hindi consonant. We will correlate with the Hindi consonant. Thereafter we will decide what will be used here. Okay, my dear student. So it was not too hard. It was so easy. We can understand easily both those things which all has been taught to all of you. Okay. So similarly, firstly you will find, you see and understand there is a noun. So firstly pronounce it like fan, table, phone, cell phone, a man, woman, okay, these types. Like if you eatable item, just like that, she, this is a pizza, this is a pizza, a pizza, p, p. The p is sound reproduced like Hindi consonant p, okay. Similarly, this is momos, this is a momos. Okay, or I can say I have a momos, I have a momos. So mo, m, m, m's sound is e. When you will correlate English alphabet, English consonant sound with Hindi consonant sound, so there you will find m will m, m, mo, momos. Okay, so exactly you will find m. And when you will find ma, so you can understand, we can add here a. I hope you are getting these things. So this chapter's exercise will be sent to you soon as possible. Okay, till when, wait for that. And for the next use of n, we will meet in the next video. Till when, thank you my dear students.